मुंबई में जॉर्ज फर्नांडिस ने यदि हड़ताल का नारा दिया, 500 लोग भी रास्ते पर आने के लिए तैयार नहीं। ये ठीक है कि जॉर्ज फर्नांडिस हमारा मित्र है, हमारे फास्ट फ्रेंड्स में से है, संघ सृष्टि से भी उसका संबंध अच्छा है, परम पूजनीय गुरु जी का स्नेह उसने प्राप्त किया था, वो भी पब्लिकली कहता है कि गुरु जी का स्नेह मुझे प्राप्त हुआ, इसका मुझे गर्व है, वो सारे अपने संबंध अच्छे। किंतु ये जो प्रतिमा निर्माण के द्वारा उसने बम्बई का बादशाह मजदूर क्षेत्र का बना था, आज उसकी हालत क्या है? 500 लोग भी उसके कहने पर नहीं आ सकते रास्ते पर। फिर भी इतना बारीकी से तो कोई सोचता नहीं, ये समझने में टाइम भी लगता है, तो कोई विश्वास नहीं करता था। हमने कहा भाई सामूहिक नेतृत्व के आधार पर ही चलेंगे। होते होते संघ के क्षेत्र में भी इस पर विश्वास नहीं रखा जाता था। एक घटना हुई जिसके कारण संघ के लोगों को भी लगा कि भाई ये सामूहिक नेतृत्व का सिद्धांत शायद ठीक होगा। क्या हुआ? गुजरात में किसान संघ का आंदोलन हुआ, कोई एक नेता नहीं था, 40 से 50 तक जवान लोग मोटरसाइकिल, साइकिल, पैदल, पूरा गुजरात उन्होंने छान डाला। आंदोलन हुआ, आंदोलन में 1.5 लाख 2 लाख लोग रास्ते पर आए, पुलिस की फायरिंग हुई, उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें 2 महिलाएं भी थी। असेंबली चल रही थी, विधानसभा चल रही थी, अमर सिंह चौधरी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर, तो लोगों ने पूछा कि भाई इतना आंदोलन चल रहा है, आप आंदोलनकारियों के साथ बात क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा, और ये अखबार में आया था, कि मैं बात किसके साथ करूं, हवा के साथ बात करूं? इट इज़ ए लीडरलेस ऑर्गेनाइजेशन, ये संगठन का कोई नेता ही नहीं है, तो मैं किसके साथ बात करूं? तो फिर लोगों ने कहा भाई जो संवैधानिक प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी उनके साथ बात करो। अब ये सब अखबारों में आया, दिस इज ए लीडरलेस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा उन्होंने कहा। बिल्कुल सही बात थी, कोई एक लीडर गुजरात में किसान संघ का नहीं था, अलग अलग लोग थे। मैंने यहाँ तक कि आखिर में जब निगोशिएशन के लिए जाना पड़ा तो अपने हसमुख भाई दवे को नेतृत्व करना पड़ा, क्योंकि इनको निगोशिएशन का अभ्यास है। किंतु किसान संघ में कोई एक व्यक्ति की प्रतिमा बड़ी की ऐसा नहीं था। ये जब हुआ तब संघ क्षेत्र के लोगों को विश्वास हुआ कि सामूहिक नेतृत्व भी हो सकता है। अब सामूहिक नेतृत्व का मतलब क्या होता है? हर एक मजदूर को जागरूक करना, प्रशिक्षित करना, अपने क्षेत्र के बारे में, अपने काम के बारे में, यूनियन के बारे में, ऐसे जो जागृत, जागरूक, प्रशिक्षित मजदूर है, हर स्तर पर वो बीच में इकट्ठा आ जाए, 15 दिन में एक बार, 1 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार। और आज की परिस्थिति क्या है, इसमें से रास्ता कैसे निकाला जा सकता है, इस पर सामूहिक विचार विमर्श करें। ऐसा नहीं कि ठेंगड़ी जी ने कहा है, ऐसी बात नहीं, सामूहिक विचार विमर्श करें और सामूहिक विचार विमर्श के आधार पर सामूहिक निर्णय लें। अब सामूहिक विचार विमर्श होता है तो सभी पक्ष सामने आते हैं, सभी पक्ष सबके सामने आते हैं, उस पर लोग विचार भी कर सकते हैं। तो इस तरह से सामूहिक विचार विमर्श के पश्चात सब मिलकर एक मत से कोई सामूहिक निर्णय ले। सामूहिक निर्णय को सब लोगों ने मिलकर क्रियान्वित करना, यह सामूहिक नेतृत्व है। अब अपने यहाँ सामूहिक नेतृत्व के कारण संगठन खड़ा होता है, व्यक्तिगत नेतृत्व के कारण संगठन की आवश्यकता ही नहीं लोगों को प्रतीत होती, इसलिए संगठन खड़ा ही नहीं होता। अब अपने यहाँ ये गलत पद्धतियाँ क्यों आई, यह आपके ध्यान में रहे, यह भी मैं आवश्यक समझता हूँ। ऐसा है कि एक बड़े विचारक, साहित्यिक, जिनका नाम है स्टीफन कोवे, COVY, स्टीफन कोवे, इनके मन में आया
कि यशस्वी कौन होता है, इसका अध्ययन किया जाए। तो उन्होंने इंग्लिश में सक्सेस लिटरेचर जितना है, सक्सेस लिटरेचर आप समझ गए क्या, माने यश प्राप्त करना जिसमें बताया जाता है, ऐसा साहित्य इंग्लिश में जितना है वो सारा पढ़ा। तो उन्होंने कहा कि 200 वर्ष का ये साहित्य है, सक्सेस लिटरेचर 200 वर्ष का है। किंतु सारा पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि एक स्टार्टलिंग फैक्ट, स्टार्टलिंग माने चौंका देने वाली एक बात मेरे ध्यान में आई कि है तो 200 साल का सक्सेस लिटरेचर, किंतु इसके दो हिस्से होते हैं। शुरू से 125 साल, 130 साल एक अलग ढंग का लिटरेचर है, आगे का 75-80 साल का दूसरे ढंग का साहित्य है। ये जो पहला साहित्य है उसको उन्होंने नाम दिया कैरेक्टर एथिक, और इधर का जो है उसको नाम दिया पर्सनैलिटी एथिक। तो उन्होंने कहा कि अपवाद के रूप में पहले टाइप की कुछ किताबें दूसरे टाइप में दिखेगी, किंतु पहला टाइप 125-130 साल का वो एक कैरेक्टर एथिक, आगे का पर्सनैलिटी एथिक। अब कैरेक्टर एथिक का मतलब उन्होंने बताया कि उस साहित्य में आपको ये मिलता है कि हाउ टू बिकम ग्रेट, कि स्वयं ग्रेट कैसे बनना, श्रेष्ठ कैसे बनना, श्रेष्ठ गुण अपने अंदर कैसे प्राप्त करना, ये बताया जाता है। और पर्सनैलिटी एथिक में ये नहीं बताया जाता कि श्रेष्ठ कैसे बनना, तो हाउ टू अपीयर ग्रेट, हम श्रेष्ठ है ऐसा दुनिया को कैसे बताना। आप दोनों में अंतर समझ गए ना, एक में है पहले था हाउ टू बिकम ग्रेट, कि स्वयं श्रेष्ठ कैसे बनना, दूसरे में हाउ टू अपीयर ग्रेट, कि दुनिया के सामने मैं बड़ा श्रेष्ठ पुरुष हूँ ऐसे कैसे दिखाना, स्वयं श्रेष्ठ बनना ये बात नहीं थी। तो उन्होंने ये कहा कि दोनों तरह का जो साहित्य है इसमें, ये जो दूसरा पर्सनैलिटी एथिक है उसी का नाम तो इमेज बिल्डिंग है, प्रतिमा निर्माण, इमेज बिल्डिंग माने व्यक्ति उतना बड़ा नहीं रहता, उसको बड़ा बनाया जाता है, बताया जाता है। तो ऐसी जो लीडरशिप खड़ी होती है वो ज़्यादा दिन चलती नहीं, वो कभी एक्सपोज हो जाते हैं, वो सेकेंडरी टाइप की लीडरशिप है। सच्ची लीडरशिप उन्हीं लोगों की ज़्यादा अखंड चलती है जो रियली ग्रेट है, जो वास्तव में श्रेष्ठ है, ऐसे लोगों का नेतृत्व यह विश्वसनीय होता है। दूसरे टाइप का नेतृत्व थोड़ा उभर कर ऊपर आता है, थोड़े दिन चमकते हैं और फिर चार दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात है, वैसा सारा मामला खत्म होता है। अब आज भी जो अखबार पढ़ते हैं उन्होंने देखा है, एक समय था क्लिंटन की इमेज कितनी बड़ी बनाई थी कि सारे अमेरिका में और दुनिया में क्लिंटन के जैसा श्रेष्ठ पुरुष कोई नहीं, आज की अवस्था। तो ये पर्सनैलिटी एथिक, किंतु थोड़े दिन के बाद अमेरिका में विचार करने वाले भी काफी लोग हैं, एक विचारक साहित्यिक फिलिप डोनाल्ड उसका नाम है, उसके मन में अचानक रात में सोते सोते एक विचार उसके मन में चमक गया, फ्लैश हुआ। विचार क्या था, उसको भी बड़े लोगों की जीवनियां पढ़ने का शौक था, बहुत लोगों के चरित्र जीवनियां उसने पढ़ी थी। सोते सोते एक दिन विचार मन में फ्लैश हुआ कि इतना मैंने पढ़ा है, लेकिन उसमें किसी के भी विषय में स्पेसिफिकली विशेष रूप से उसके लीडरशिप क्वालिटी के विषय में मूल्यांकन नहीं आया। हर एक व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ आया है, जीवन की सभी घटनाएं आई है, उसके बड़प्पन के कई उदाहरण आए, किंतु लीडर के नाते काम करना, इस दृष्टि से उसकी क्वालिटी क्या थी, लीडर के नाते उसके प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट क्या थे, लीडर के नाते उसके अच्छे और बुरे ऐसे स्वभाव के दोष और गुण क्या थे, ऐसा क्रिटिकल इवैल्यूएशन, क्रिटिकल इवैल्यूएशन यानी
मूल्यांकन, ऐसा मूल्यांकन किसी के भी बारे में पढ़ने में नहीं आया, ये बात उसके मन में चमक गई। तो उसने सोचा कि भाई देखना चाहिए कैसा इवैल्यूएशन कहीं है क्या, अब किसके बारे में देखेंगे। तो उसको प्रिय ऐसा नेता अब्राहम लिंकन था, आपने भी नाम सुना होगा, अब्राहम लिंकन उसको बहुत प्रिय था। और इंग्लिश साहित्य में अब्राहम लिंकन के बारे में सबसे ज़्यादा साहित्य निर्माण हुआ है, सबसे ज़्यादा लिखा गया है, इसने सारा पहले ही पढ़ा था। वो स्मरण करने लगा कि अब्राहम लिंकन के बारे में इतना लिखा गया है और वो सही है, प्रतिमा निर्माण वाली बात नहीं, उसमें जो सही है वही लिखा गया है, किंतु उसमें लीडरशिप के नाते उसकी क्वालिटी क्या है यह तो नहीं आया। तो उसने सारे वाचनालयों को पत्र भेजा, सारे बुकड़े पोस्ट को पत्र भेजा, सारे साहित्यिकों को पत्र भेजा कि भाई मैं ये जानना चाहता हूँ, क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द लीडरशिप क्वालिटी ऑफ अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन के नेतृत्व गुण के विषय में मूल्यांकन, यही विषय लेकर यदि कहीं कुछ लेख आया होगा या कुछ पुस्तक होगी आप मुझे बताइए। सब लोगों ने जवाब भेजे और कहा कि ऐसा कहीं भी आया नहीं है, ऐसा ये विषय लेकर कि नेतृत्व के गुण दोष क्या है, तो ऐसा अब्राहम लिंकन के बारे में कहीं भी लिखा नहीं गया, ऐसा आया। तो उसको आश्चर्य हुआ, जिस अब्राहम लिंकन के बारे में इतना साहित्य निर्माण हुआ है उसके विषय में ये बात आई नहीं। अब कैसा विचार करना, तो उसके मन में दूसरी बात आई कि अब्राहम लिंकन के बारे में वो फिलिप डोनाल्ड ने सोचा मैं इवैल्यूएशन करूं क्या, तो उसने सोचा मैं तो छोटा आदमी हूं। दूसरा उपाय उसके मन में आया, वो उसने किया कि लीडरशिप क्वालिटी के विषय में अब्राहम लिंकन के ही क्या विचार थे, अब्राहम लिंकन की ही लीडरशिप के बारे में क्या धारणा थी, कौन सी लीडरशिप अच्छी है कौन सी लीडरशिप खराब है इसके विषय में वो क्या सोचते थे। उन्होंने जो कुछ बोला और जो कुछ किया, वर्ड्स एंड डीड्स, माने उन्होंने जो जो बोला जो जो लिखा और जो जो काम किया उस पर से उनके विचार क्या थे, ये हम देख सकते हैं क्या। इस नाते फिर से सारा साहित्य पढ़ा, उसमें से उनको पता चला कि अब्राहम लिंकन स्वयं अलग अलग प्रसंगों में जो बोल चुके, अलग अलग प्रसंगों में जिस ढंग से उन्होंने काम किया, उससे लीडरशिप क्वालिटी के बारे में, नेतृत्व गुण के विषय में उनके मन में क्या विचार होंगे यह समझ सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा सारा इकट्ठा करके किताबें लिखी, लिंकन ऑन लीडरशिप किताब का नाम है, लिखने वाले फिलिप डोनाल्ड से, लिंकन ऑन लीडरशिप। और उसमें व्यवस्था ऐसी की कि एक एक पहलू लेकर लिखना और आखिरी में उसका सारांश लिखना, प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप, ये 1, 2, 3, 4। तो बहुत अच्छे ढंग से लीडरशिप क्या होती है उसके विषय में अब्राहम लिंकन के विचारों का संकलन उसमें दिखाई देता है। अपने यहाँ अभी ये पद्धति नहीं है, किंतु हमारे अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग पश्चिम का अनुकरण करते हैं, उधर जो विचार प्रवाह चलते हैं वैसा ही ये चलते हैं। और आप यदि बारीकी से देखेंगे तो वहाँ जो विचार प्रवाह चले अपने देश में 5 साल के बाद 10 साल के बाद वो आए। जैसे पहले वहाँ कैरेक्टर एथिक का साहित्य था, तो आप देखेंगे कि अपने यहाँ भी शुरू की जो पीढ़ियाँ हुई उसमें ऐसे ही लोग आए जो कैरेक्टर एथिक वाले थे, हाउ टू बिकम ग्रेट, स्वयं श्रेष्ठ बनना चाहिए यह विचार रखकर काम करने वाले, लगभग उसी पीरियड में थे जो पीरियड उन्होंने कैरेक्टर एथिक का यूरोप का दिया है। और फिर आप देखेंगे कि वहाँ
पिछले 70-80 साल में प्रतिमा निर्माण, इमेज बिल्डिंग का काम शुरू हुआ। अपने यहाँ भी उसी पीरियड में शुरू हुआ। अब यह संयोग की बात है कि 1947 में हमें स्वराज्य मिला, इसलिए सामान्य आदमी को बताने के लिए हम कहते हैं भाई 47 के पहले परिस्थिति अलग थी, 47 के बाद अलग हुई। लेकिन मोटा मोटी ब्रॉडली यदि आप देखेंगे तो पश्चिम में कैरेक्टर एथिक जब तक था, हमारे यहाँ भी वो आया, लोग श्रेष्ठ बनने का प्रयास करते थे। और वहाँ जब पर्सनैलिटी एथिक आया कि श्रेष्ठ बनना नहीं है, श्रेष्ठ दिखाना है खुद को, वो पीरियड अपने यहाँ भी इमेज बिल्डिंग का आया। इसलिए अपने यहाँ अभी ये चल रहा है कि नेता की इमेज बढ़ाना, नेता की प्रतिमा बढ़ाना, और इसके कारण संगठन कभी खड़ा होता ही नहीं। मैंने कहा कि उधर अच्छे विचारक भी जो है वो सभी बातों पर विचार करते हैं, तो एक श्रेष्ठ विचारक ने ये इमेज बिल्डिंग पर भी विचार किया। उसका नाम है पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर ये साइंस ऑफ मैनेजमेंट का प्रमुख माना जाता है आजकल। वैसे तो साइंस ऑफ मैनेजमेंट के कई लोग हो गए, लेकिन आज पीटर ड्रकर का नाम अग्रेसर है। उसने इस विषय का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद इस विषय पर उसने जो लिखा उसका टाइटल ही है बी वेयर ऑफ करिश्मा। नेता का करिश्मा होता है ना, तो उसने लिखा, उसका टाइटल ही है बी वेयर ऑफ करिश्मा। और उसमें उन्होंने ये दिया कि ये जो नेता का करिश्मा बढ़ाना, तो ये बहुत घातक बात है, इसके कारण नुकसान, लोग आलसी बन जाते हैं, स्वयं विचार करना छोड़ देते हैं, विचार करने का ठेका एक आदमी को दिया जाता है, वो गड़बड़ करेगा तो उसको फिर इलाज कुछ नहीं रहता। और फिर बताया कि जिसको हम ठेका देते हैं उसका भी दिमाग बिगड़ जाता है, अहंकारी बन जाता है, फिर वो संगठन के नाते विचार नहीं करता, तो पर्सनल लाइक्स एंड पर्सनल डिसलाइक्स, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है, तो पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स पर काम चलता है, तो सारा संगठन गलत दिशा में जाता है। और इसके कारण आदमी भी बिगड़ जाता है और देश का भी नुकसान होता है। तो उसके तीन उदाहरण उसने दिए। उसने कहा कि पिछले शताब्दी में सबसे ज्यादा करिश्मा जिनका बढ़ाया गया, प्रतिमा इमेज सबसे ज्यादा जिनकी बनाई गई, ऐसे तीन लोग हुए, मुसोलिनी, हिटलर और स्टालिन। और उसने कहा कि तीनों का इतिहास देखिए, उनका करिश्मा बहुत बढ़ाया गया और बाद में तीनों देश कहाँ गए, खड्डे में गए, तीनों देशों की पराजय हुई, तीनों देशों का बड़ा नुकसान हुआ इनके करिश्मे के कारण। यह एक उदाहरण दिया। फिर दूसरा दिया कि जहां करिश्मा नहीं है, इमेज नहीं है, लेकिन काम करने की क्षमता है, हाउ टू बिकम ग्रेट, ये विचार जहां है, ऐसे लोगों ने कुछ काम किया है क्या? तो उन्होंने नजदीक के इतिहास के दो उदाहरण दिए। दूसरे महायुद्ध के पश्चात पहला उदाहरण दिया जर्मनी का। दूसरे महायुद्ध में जर्मनी उध्वस्त हो गया था, उध्वस्त हो गया था और कोई पॉलिटिकल लीडर बाकी नहीं था, तो जर्मनी का कारोबार कौन करे? तो उस समय एक आर्मी ऑफिसर को राज्य प्रमुख बनाया गया, उसका नाम था एडनॉवर। एडनॉवर को राज्य प्रमुख बनाया गया, वो आर्मी ऑफिसर था, पब्लिक लाइफ में नहीं था, पॉलिटिकल लाइफ में नहीं था, इसलिए उसकी कोई इमेज नहीं थी, लेकिन सेना में काम करने वाले लोगों में ये बहुत ऑनेस्टी इंटीग्रिटी का आदमी है, प्रामाणिक है, जित के साथ काम करता है वगैरह वगैरह, तो सेना अधिकारी के नाते इसकी प्रसिद्धि थी, लेकिन वैसे सार्वजनिक राजनीतिक इमेज इसकी कुछ नहीं थी, इसके हाथ में देश का काम है।
लोग सोचने लगे इसके कोई इमेज नहीं है, क्या करेगा। लेकिन 3-3.5 साल के अंतर्गत नए जर्मनी की नींव उसने डाली, कोई उसकी इमेज नहीं थी, किंतु अखंड काम करते हुए, 24 घंटा काम करते हुए, प्रामाणिकता से काम करते हुए, जो विषय अपने को नहीं समझते वो समझने के लिए रात रात जागरण करते हुए विषय समझ लेना, इस तरह से 3-3.5 साल के अंदर नए जर्मनी की नींव डाली। ये एक उदाहरण दिया। और दूसरा उदाहरण इससे भी इंटरेस्टिंग है। महायुद्ध के पश्चात प्रमुख कौन बना? ट्रूमन बना, क्योंकि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की मृत्यु हुई थी और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने ट्रूमन को वाइस प्रेसिडेंट के नाते अपॉइंट किया था। इसलिए अपॉइंट किया था कि प्रेसिडेंट ये ट्रूमन ये इनकॉम्पिटेंट है, ये सबको मालूम था। जनरली प्रेसिडेंट अमेरिका के अपने वाइस प्रेसिडेंट को ऐसे आदमी को लेते हैं जो बेकाम होगा, जो इनकॉम्पिटेंट होगा, ताकि प्रतिस्पर्धा निर्माण न हो। तो इसको इनकॉम्पिटेंट बेकाम समझकर वाइस प्रेसिडेंट बनाया था, और तभी से उसके बारे में मजाक खिल्ली उड़ाना अमेरिका में चलता था। तो इंग्लिश में एक कहावत है, टू अर इज ह्यूमन। तो इसकी खिल्ली उड़ाने के लिए लोग कहते थे टू अर इज ट्रूमन, गलती करना ये ट्रूमन का नाम है, ऐसा बोलते थे। माने इसकी माइनस इमेज थी, अच्छी इमेज नहीं थी, ये बात छोड़िए, उसकी माइनस इमेज थी। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के मृत्यु के बाद वही प्रेसिडेंट बन गया, सब ने कहा कि अब तो मर गए, ये आदमी कहाँ हमको खड्डे में डालेगा। लेकिन ये बहुत गंभीरता से अपना काम करने लगा। इसने भी एडेनॉर के समान ही, जो विषय अपने को समझता नहीं वो रात रात जागरण करके समझा लेना, सभी विषयों में गति प्राप्त करना, सभी लोगों के साथ संपर्क करना, इतना जबरदस्त काम किया कि महायुद्ध के पश्चात अमेरिका का जो पहला स्टेबिलिटी जो लाई गई, स्थैर्यता अमेरिका को लाई, ये एक महान कार्य ट्रूमन ने किया, जिसकी कोई इमेज नहीं थी, कोई प्रतिमा नहीं थी, उसने किया। ऐसे दो उदाहरण पीटर ड्रकर ने दिए और कहा कि निष्कर्ष यह है, बीवेयर ऑफ करिश्मा, ये करिश्मा से बचो, किसी का करिश्मा मत बढ़ान बढ़ने दो। हम लोग इससे पहले से बचे हैं, हम एक व्यक्ति का करिश्मा बढ़ाना इस पर विश्वास नहीं करते। और इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कुछ नियम ऐसे हैं जो अन्य किसी संस्था में देश में नहीं। उदाहरण के लिए आपने सुना होगा कि अपने यहाँ एक नियम है कि किसी भी नेता का जन्मदिन, किसी भी व्यक्ति का जन्मदिन नहीं मनाना। सब संस्थाओं में नेताओं के जन्मदिन मनाए जाते, अपने यहाँ नियम है कि किसी का जन्मदिन नहीं मनाना। वैसे अपने यहाँ नियम है किसी भी व्यक्ति की जय जयकार नहीं करना। 16-17 साल के पहले हरिद्वार में अपने वर्किंग कमेटी ने यह डायरेक्टिव दिया, रेजोल्यूशन पास किया, डायरेक्टिव दिया कि भारतीय मजदूर संघ में किसी भी व्यक्ति की जय जयकार न हो। संयोग की बात ऐसी थी कि उसके तुरंत बाद उदयपुर में अपने शंभू दादा का एक फंक्शन था, तो सबसे पहले मैं दिल्ली आकर हवाई जहाज पकड़कर उदयपुर आया। तो मैं गया तब तक ये जो हरिद्वार का निर्णय है किसी को मालूम नहीं था। वहाँ शंभू दादा ने 8,000 लोगों का एकत्रीकरण किया था। हम गए तो हमारे नाम से जय जयकार हुई, हमको मालाएं पहनाई गई, सारा हुआ। अब वो मैं जाने वाला था, इसलिए भारतीय मजदूर संघ के बाहर के कुछ बीजेपी के लोगों को भी उन्होंने बुलाया था, और व्यवस्था थी कि भाई इसके पश्चात, फंक्शन के पश्चात ये जो बाहर के कुछ लोग हैं उनके साथ नज़दीक के होटल में चाय पान, ये भी व्यवस्था थी। तो जय जयकार हुई, मालाएं पहनाई गई, हम डायस पर गए और फिर हमारी बारी आई भाषण की। तो मैंने कहा कि मैं आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूँ, आपने जो हमारा स्वागत किया, बड़े प्रेम से स्वागत किया, इसके लिए मैं आभारी हूँ।
और ईमानदारी की बात यह है कि जब आपने हमारी जय जयकार की तो हमारे अहंकार को भी बड़ा सुख प्राप्त हुआ, लगा कि मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। 8,000 लोग मेरी जय जयकार कर रहे हैं तो मेरा भी सीना तन गया था, लेकिन एक क्षण में मायूसी आ गई, क्योंकि एक घटना का स्मरण हुआ जो आपको पता नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी हरिद्वार में अपने वर्किंग कमेटी की BMS की मीटिंग हुई और उसमें उन्होंने आदेश दिया है हम सब के लिए कि किसी भी व्यक्ति की जय जयकार न की जाए। तो आप जय जयकार करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मेरा अहंकार जरा खुश हो जाता है, लेकिन जब यह आदेश का मैं विचार करता हूँ तो फिर दुख होता है कि अरे इतने हजारों लोग मेरी जय जयकार करने के लिए उत्सुक है, लेकिन आदेश है किसी की जय जयकार न करे तो मेरी भी नहीं होगी, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ, ऐसा हमने भाषण में कहा। अब भाषण के बाद जो बाहर के सज्जन थे उनके साथ और कार्यकर्ताओं के साथ नज़दीक के होटल में चाय पान का कार्यक्रम था, तो एक राजनैतिक मित्र मेरे पास ही बैठ गए। मैं कहा, ठेंगड़ी जी, आपने जो बताया, क्या वाकई ऐसा आदेश जारी किया गया है? हमने कहा जारी किया, इसीलिए तो बताया। आप प्रश्न क्यों पूछ रहे? नहीं, मुझे लगा बोले कि आप मजाक में बोल रहे हैं। हमने कहा मजाक में क्यों बताए, वास्तव में यह सामने आदेश जारी किया है। तो एकदम उनके मुंह से आया, अरे। हमने कहा क्यों, आपको क्या पीड़ा हो रही? नहीं, बोले ऐसा है ना, मजदूर संघ, संघ जनसंघ, ये सारा एक ही होता है तो आपस में मिलना जुलना होता है, तो आपकी ये जो बीमारी है जय जयकार न करने की, कहीं हमारे क्षेत्र में भी आ जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। हमने कहा चिंता मत कीजिए, हम दूसरा सर्कुलर इशू करेंगे कि आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ, कारण रहे या न रहे, इन सीजन आउट ऑफ सीजन, आपकी ही जय जयकार करना, ये सर्कुलर हम इशू करेंगे, लेकिन हम मजदूर संघ में किसी की जय जयकार हम नहीं होने देंगे। तो ऐसे जो पागल जैसे कुछ नियम अपने यहाँ जो बनाए गए, इसके कारण यहाँ व्यक्तिवाद नहीं पनप सकता। ये ठीक है कि जैसे मैंने कहा कि बाहर के विषैले कीटाणु अपने यहाँ भी आ सकते हैं, और खासकर दूसरे यूनियन से जो लोग आते हैं, दूसरे यूनियन से, कोई कम्युनिस्ट यूनियन से आता है, कोई इंटक के यूनियन से आता है, तो जो आदमी दूसरे यूनियन में 8 साल रहा है, 10 साल रहा, 12 साल रहा, वहाँ के वायुमंडल में घुल मिल गया है, सोचने की आदतें वहाँ की हो गई है, व्यवहार का ढंग आपसी वहाँ का हो गया, तो एकदम आपके BMS में आने के बाद तुरंत वह BMS माइंडेड हो जाएगा, ये सोचना गलत है। आदमी BMS का मेंबर होता है तो हम कहते हैं कि दो फेजेस में BMS की सदस्यता है। पहले फेज में बाहर के यूनियन का आदमी यहाँ आता है, BMS की रिसीट काटता है, तो वो फिजिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली, टेक्निकली BMS का हो गया, वो यूनियन छोड़ दी, BMS की यूनियन का मेंबर बना, तो फिजिकली यानी शारीरिक दृष्टि से, टेक्निकली यानी तांत्रिक दृष्टि से, कॉन्स्टिट्यूशनली यानी संवैधानिक दृष्टि से वो BMS का हो गया। लेकिन हम उनको वहीं बताते कि आप BMS के पहले फेज में हैं, लेकिन आप सच्ची BMS नहीं बने। आप सच्ची BMS तब बनेंगे जब आइडियोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली, माने सैद्धांतिक दृष्टि से और मानसिकता के दृष्टि से, आप जब BMS हो जाएंगे तब हम आपको सच्चे मेंबर बताएंगे। अब आपके ये NAPTA के लोग भी जब आए, तो हमने पहले ही अधिवेशन में कहा कि आप BMS में आए हैं लेकिन BMS के पूरे नहीं हुए, वहाँ की आदतें आपको पहले भूलना पड़ेगा। NAPTA में गलत आदतें जो लगी है उसमें आप 8-10 साल रहने के बाद इधर आ रहे हैं, तो एकदम इधर आते ही सारे आपके विचार और विचार की पद्धति बदल जाएगी, ऐसा तो नहीं है, तो आपको पहले वो भूलना पड़ेगा और फिर यहाँ के जो संस्कार है वो ग्रहण करना पड़ेगा, नहीं तो आज आपकी अवस्था ऐसी रहेगी कि 8-10 साल के जो गलत व्यवहार की पद्धति या सोचने के ढंग, ये सारे आपके मन में हैं, आप शरीर की दृष्टि से BMS में पहुँचे। तो हमारे इधर एक ऐसा उदाहरण देते कि एक आदमी हर दिन मंदिर में जाता था और एक दिन जाते जाते उसकी चप्पल फट गई,
तो उसके मन में आया कि भाई बार बार चप्पल बदलना पड़ता है, अच्छा है कि बूटे ही ले लेंगे, तो फिर 8-10 साल पैसा खर्च नहीं होगा। तो बाटा साहब ने उसके लिए जो खास 535 रुपये का बूट बनाया वो खरीद लिया, मंदिर में आया। अब मंदिर में प्रवेश द्वार के पास रखना पड़ता है, तो वो रख दिया। वो बड़ा भक्त था, अंदर आया, हर दिन अंदर आता था, मूर्ति को प्रणाम करता था, आंखें मूंद कर प्रणाम करता था, तो उसको ध्यान में वो सामने की मूर्ति भगवान की आती थी। लेकिन आज क्या हुआ कि उसने वो बूट बाहर रख दिया 535 रुपये का, अंदर आया, भगवान के सामने खड़ा रहा, प्रणाम किया और आंखें मूंद कर जब ध्यान किया तो भगवान की मूर्ति ध्यान में नहीं आती थी, वो 535 रुपये का बूट ध्यान में आता था कि मैं यहाँ हूँ, कोई बूट लेकर चला जाएगा तो मेरा कितना नुकसान होगा। तुमने कहा कि शरीर मंदिर में है, मन जूते में है, ऐसी आप लोगों की अवस्था है कि शरीर BMS में है और मन NFPTA में है, तो ये अवस्था बदलनी चाहिए। आप कोशिश कीजिए, हम आपकी सहायता करेंगे। तो ये दो लेवल पर अपनी मेंबरशिप है। तो इस दृष्टि से BMS माइंडेड हर एक ने बनना चाहिए, यूनियन माइंडेड नहीं। अन्य संस्थाएं और भारतीय मजदूर संघ में क्या फर्क है, यह पहले ही अधिवेशन में 1967 में पहले ही अधिवेशन में ये कहा गया कि अन्य यूनियन में मनुष्य सबसे पहले यूनियन माइंडेड होता है कि मैं इस यूनियन का हूँ। और चूंकि उस इंडस्ट्री की यूनियन सेंट्रल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ संलग्न है, इसलिए थ्रू दैट यूनियन, उस यूनियन के माध्यम से मैं सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन का हूँ। एक यूनियन है, इंटक से संबद्ध है, तो जो कार्यकर्ता है वो अपने को यूनियन का कार्यकर्ता मानता है, और वो यूनियन इंटक के साथ संलग्न है, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से उस यूनियन के माध्यम से वो इंटक का कार्यकर्ता होता है। हमने कहा हमारे यहाँ उल्टी पद्धति है, हर एक कार्यकर्ता BMS का कार्यकर्ता है, और चूंकि उस जिस उद्योग में है वहाँ की यूनियन BMS के साथ संलग्न है, वो उस यूनियन का कार्यकर्ता थ्रू BMS के माध्यम से, प्रत्यक्ष रूप से BMS का कार्यकर्ता, अप्रत्यक्ष रूप से यूनियन का कार्यकर्ता। तो ये उल्टी पद्धति यहाँ है, यह बात 1967 में ही कही गई थी। ये सारी बातें ध्यान में रखकर अन्य संस्थाओं से हमारा सोचने का ढंग अलग है, नेतृत्व के बारे में विचार अलग है, नेता का व्यवहार कैसा हो इसके विषय में उनके विचार हमारे विचार इसमें अंतर है, और खासकर राजनीतिक क्षेत्र में जो नेतागिरी के गुण चलते हैं उनको तो हम पूरी तरह से गलत मानते हैं, उनका हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये सारी बातें ध्यान में रखकर यदि हम काम करेंगे तो अपने अपने क्षेत्र में अच्छा संगठन हम खड़ा कर सकेंगे।